हेलो एंड वेलकम माय डियर अमेजिंग पेरेंट्स एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास सिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। साइंस के हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों। ये IOS का हम सैंपल पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सिल्वर जोन कंडक्ट करवाता है। जैसे SOF NSO कंडक्ट करवाता है, वैसे ही सिल्वर जोन IOS मींस इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस कंडक्ट करवाता है। सैंपल पेपर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बच्चों। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होंगे। टाइम की अगर हम बात करें तो आपके पास में 40 मिनट्स रहने वाले हैं। सो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो साइंस के ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी ओलंपियाड हो, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न मोर और लेस सेम आता है, या फिर अपने साइंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग फिगर केयरफुली। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फिगर गिवन है। यहाँ पे जो है आपको कैंडल गिवन है, और इस कैंडल से क्या हो रही है, यहाँ से लाइट पास हो रही है। आप सब लोगों ने क्लास सिक्स में लाइट वाले चैप्टर में ऐसी कुछ फोटो देखी होगी। क्या क्वेश्चन में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हैज बीन शोन इन द शोन विद द हेल्प ऑफ अबव फिगर। मींस लाइट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि ये जो पिक्चर है वो डिपिक्ट कर रही है। ये पिक्चर हमें कौन सी लाइट की प्रॉपर्टी को शो कर रही है। यहाँ पे आई बनी हुई है बच्चों, ठीक है। सो लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। लाइट कम्स बैक इन टू सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। चलिए समझते हैं बच्चों। लाइट बैंड फर्स्ट जो ऑप्शन है, बेंड्स व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मतलब कि जैसे मान लीजिए एयर से वाटर में अगर वो लाइट जो रे आपकी अगर एंटर करती है तो डेफिनेटली वो बेंड होती है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। सो दैट इज व्हाई दिस इज इनकरेक्ट फॉर दिस गिवन सिचुएशन। ठीक है, ये सिचुएशन गिवन जो है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। लाइट कम्स बैक इन टू सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसा भी कुछ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सो ये भी नहीं होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कैंडल से गई और ये जो कार्डबोर्ड है यहां पे बीच में होल है, यहां से लाइट पास हुई। सिमिलरली ये बी वाले कार्डबोर्ड में भी लाइट पास हुई एंड सी वाले में भी लाइट पास हुई, और इस तरीके से आपकी आई ने इस लाइट को देख पाए ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे हम इसको रियल लाइफ में भी देखते हैं, देखो बच्चों, कई बार आपने देखा होगा ना जब बहुत सारी लाइट्स जली हुई रहती है। ठीक है, हम लोग कई बार नाइट शोज वगैरह में भी जाते हैं जहाँ पे लाइव शोज वगैरह होते हैं, तो वहां पे जो फोकस लाइट होती है, या फिर शादी वगैरह का जो डेकोरेशन होता है उसमें जो फोकस लाइट होती है आपने देखा होगा ना, या फिर आप स्टेज पे स्पॉट लाइट होती है कई बार, कि सेंटर में वो जो पर्सन खड़ा होता है वो स्पॉटलाइट की वजह से प्रॉपरली हमें विजिबल होता है। सो यहां से प्रूव क्या हो रहा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली आपने देखा होगा कई बार जब सन की जो रेज है, सुबह सुबह हम जब अपना डोर ओपन करते हैं या विंडो ओपन करते हैं, तो जो सूरज की किरणें होती है, जो लाइट रेज होती है, वो इस तरीके से अपना स्ट्रेट पाथ बनाती है, एंड इट प्रूव्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट चैप्टर। सो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों टिल 12th क्लास तक आपके काम आने वाला है। सो इसलिए हमने इसको डिटेल में समझा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्लांट हूज लीव्स आर मॉडिफाइड टू थिन स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है बच्चों कि ट्रांसपीरेशन एक्चुअली होता क्या है। सो ट्रांसपीरेशन सिंपली आपको समझना है बच्चों, जब किसी भी प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो वाटर रिलीज करती है, ठीक है, किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। हिंदी में अगर हम समझें तो वाष्पीकरण हम इसको हिंदी में बोलते हैं। वाष्प मतलब कि भाप की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में जब लीव्स से वो जो आपका वाटर है वो रिलीज होता है, निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी जो लीव्स है वो क्या हो जाती है, थिन स्पाइंस बन जाती है। एंड आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग रेगिस्तान में घूमने जाते हैं तो वहां पे कौन से टाइप के प्लांट्स दिखते हैं आपको, कैक्टस प्लांट्स दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर लॉस को उनको बचाना होता है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में वाटर है। सो जितना कम वाटर वहां पे लॉस हो, इसीलिए वहां के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर हम कहेंगे कि थिन स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, सो दैट वहां पे वाटर लॉस सबसे कम हो। जैसा कि यहां पे पिक्चर में आप देख सकते हो यहां पे कैक्टस में, कि ये जो लीव्स है वो धीरे धीरे मॉडिफाई होकर स्पाइंस में, थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट जब ट्रांसपीरेशन हो, जब वाटर रिलीज हो, तो सबसे कम वाटर लॉस हो। आई होप दिस क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के साथ साथ, राइट? सो अगर समझ में आ गया, मजा आ रहा है, तो मुझे थम्स अप करते जाना है. और अगर ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आते हैं तो स्पीड में करके देख सकते हो आप लोग. एंड किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम रिवर्स करके भी जाके इसको देख सकते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द गिवन बिलो. ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट्स पहचानने हैं. द पिक्चर इंक्लूड्स हिप बोन्स, ठीक है, एंड इट हैज टू सॉकेट्स ऑन द टू साइड्स ऑफ इट्स लोअर पार्ट. कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ये हिप बोन की पिक्चर है, ठीक है, एंड उसके साथ ही एंड इट हैज टू सॉकेट्स ऑन द टू साइड्स ऑफ लोअर पार्ट. यहाँ पे क्या है, टू सॉकेट्स हैं लोअर पार्ट पे. देखते हैं, एम इज नोन एज स्कैपुला. ये जो एम है इसको हम स्कैपुला बोलते हैं क्या? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्कैपुला आपके शोल्डर बोन में होती है, ठीक है. यहाँ पे जो होती है ना, ये कौन सी होती है, आर्म बोन होती है आपकी. लेकिन इसके साथ में यहाँ पे ये कोलर बोन होती है, और कोलर बोन के जस्ट नीचे ही ऐसे बड़ी सी शेप में ही होती है, उसको हम स्कैपुला बोलते हैं. तो ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि यस इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिप बोन, ठीक है. और यहाँ पे टू सॉकेट्स होते हैं. सॉकेट्स क्यों होते हैं बच्चों? आपके हिप्स में और शोल्डर में, दोनों में कौन सा जॉइंट होता है? आपके होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. यहां पे आप टच करके देखो, इस तरीके से आपको एक बॉल सी फील होगी, और वो एक सॉकेट के अंदर फिक्स है. जैसे आपका ये हम लोग प्लग लगाते हैं ना, तो वैसे ही सिमिलरली उस सॉकेट के अंदर वो बॉल फिक्स रहती है. तो इसीलिए आपके हिप्स में और शोल्डर में कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. So M support and protect the lower organ of the body such as intestine, urinary bladder and internal sex organs. तो दूसरा statement है कि जो आपका M है वो क्या इन सारे organs को protect करता है, बचाता है. So yes, ये protect करता है आपके lower organs को. एंड उसके बाद में बात आती है, क्योंकि यहीं से हमारी इंटेस्टाइन वगैरह होती है ना, हिप बोन के जस्ट वहीं पे. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ शोल्डर बोन इन विच ओ इज अटैच टू एम. कि ये एक शोल्डर बोन है जो कि ओ क्या है, एम से अटैच है. बच्चों ये शोल्डर बोन तो है ही नहीं ना, हमने बात कर ली है, ये कौन सी है, हिप बोन है. सो दिस इज इनकरेक्ट. ओ इज अटैच टू एम, ओ एम से अटैच है, बिल्कुल अटैच है. By the ball and socket, yes it is correct statement, क्योंकि ball and socket से तो connected है, दोनों जगह पे आपके ball and socket joint होता है. So according to the given situation, 1, 3 and 5 is correct, so that is why B is the correct answer for this given picture. एक बार इसको और डिटेल में समझते हैं. वहां पे बोला था कि ये वाली जो पिक्चर है इसको उन्होंने क्या बोला था, स्कैपुला, जबकि ये स्कैपुला नहीं है, ये क्या है, आपकी इलियम बोन बोलते हैं बच्चों इसको. सो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया. स्कैपुला कौन सी होती है, ये वाली जो बोन है इसको हम स्कैपुला बोलते हैं. क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ये आपकी कोलर बोन होती है, ठीक है. एंड बाकी के स्टेटमेंट्स क्लियर है. एम तो आपके आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता ही है. चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है बच्चों, रोटेट करती है. इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मोशन, कौन से टाइप का मोशन है. सो इट इज रेक्टिलिनियर. रेक्टिलिनियर में तो हम स्ट्रेट मोशन की बात करते हैं, सर्कल में ऐसे सर्कल में घूमती है. लेकिन जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, रोटेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट विल बी रोटेशनल मोशन, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करना, राइट. जैसे आप समझो कि आप एक जगह पे खड़े हुए और वहीं पे घूम रहे हो, राइट. सो अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन होता है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. ऑसिलेटरी कौन सा होता है, टू एंड फ्रो. जैसे आप सब लोग स्विंग पे झूलते हो ना, आगे पीछे जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. ये देखो बच्चों, यहाँ पे एक इमेजिनरी एक्सिस हम हमेशा कंसिडर करते हैं अर्थ की, एंड ये अपनी एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करती है, एंड दिस मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द स्पेशल ऑर्गन ऑफ अ क्लाइंबर. क्लाइंबर की बात कर रहे हैं यहां पे. प्लांट विच हेल्प्स द प्लांट इन क्लाइंबिंग. अब बताओ ये कौन सा है. आप सबको पता है क्लाइंबर्स के पास में क्या होती है बच्चों, टेंड्रिल्स होती हैं, और उन टेंड्रिल्स की हेल्प से ही वो क्या करती हैं, क्लाइंब करती हैं. मनी प्लांट को आज जाके सब लोग घर पे ऑब्जर्व करना, इस तरीके की टेंड्रिल्स होती हैं, ये देखो. और इसी पे ये एक सपोर्ट लेके, आप सबने देखा होगा ना घर पे मम्मा वगैरह क्या करते हैं, वहां पे सपोर्ट में कोई भी यहाँ पे स्टिक लगा देते हैं, सो दैट वो सपोर्ट लेके क्लाइंबर्स है ना, क्लाइंब करते हैं, और इस तरीके से वो क्लाइंब होते 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 अच्छे से प्रॉपरली ग्रो करते हैं. सो इस वाले चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए.
लेमिना पिटियोल लीफ ब्लेड ये सब आपको पता है, लीफ के पार्ट की हमने बात की है, ठीक है। आगे वाले वीडियोस में हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे, लीफ का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे। सो ये तीनों बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि ये लीफ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है। कि ये पूरी लीफ है तो इसमें बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, अंदर वाले इन सारी पार्ट्स को क्या बोलेंगे, इनकी डिटेलिंग है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द अबायोटिक कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज एयर, ठीक है। सबको पता है कि एयर एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन एयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कि आपको एक तो करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा किसका होता है, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका, और उस तरीके से आपको ऑप्शन चूज करना है। पहले इसको समझते हैं बच्चों। आप सबने देखा होगा कुछ इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। 78% क्या होती है आपकी, नाइट्रोजन होती है, राइट। सिमिलरली 20% आपकी क्या है, ऑक्सीजन है, और बाकी की ये सारी जो गैसेस हैं वो यहाँ पे परसेंटेज देखो, अदर गैसेस को हमने 0.17 बोला है, ऑर्गन का हमने 0.9 बोला और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। तो यहां से क्लियर है सबसे पहले तो क्या नंबर पे आएगी, नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे आपकी ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे आपकी आर्गन है और फोर्थ नंबर पे है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन है, बाकी किसमें किसमें नाइट्रोजन नहीं है, बी और डी को आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो इन दोनों में। देखो अब जो आपका ऑर्गन है, ठीक है, सॉरी आर्गन जो गैस है और ऑक्सीजन जो है, इसमें किसका परसेंटेज ज्यादा है, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं, आर्गन का परसेंटेज एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने सबसे लास्ट बोला है 0.03%, एंड दिस इज द लास्ट वन 0.03। यहां पे सिर्फ यहीं से क्लियर हो जाना था कि नाइट्रोजन ज्यादा है या ऑक्सीजन ज्यादा है, एंड हम सबको पता है ऑक्सीजन का अमाउंट एज कंपेयर टू नाइट्रोजन ज्यादा होता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन द ऑटोट्रॉफ्स आर प्रेजेंट। सबसे पहले हमें समझना ऑटोट्रॉफ्स होते क्या हैं। देखो आप सबने फूड चेन का पिरामिड देखा होगा, उस फूड चेन के पिरामिड में आपने देखा होगा सबसे नीचे प्लांट्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। सो बच्चों सबसे नीचे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पे देखो, ऑटो का मतलब होता है जो अपना काम खुद करते हैं, अपना काम से मतलब जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, राइट। और वो कौन करता है, वो प्लांट्स करते हैं। क्लियर हो गया है। सो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, एंड दैट इज वाई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होता है वही ऑटोट्रॉफ्स का होता है। मैं यहाँ पे एक बार आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो फर्स्ट लेवल है ये प्लांट्स का होता है और इसी को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। बाकी सबको हम क्या बोलते हैं, हीटरोट्रॉफ्स। हीटरोट्रॉफ्स का मतलब है कि वो बाकी के जो अदर सारे आपके प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे उनको खा करके उनसे एनर्जी लेते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी एनर्जी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और हीटरोट्रॉफ्स क्या करते हैं, दूसरे से अपनी एनर्जी लेते हैं, ठीक है। आइदर वो प्लांट्स हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं। मजा आ रहा है, अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है बच्चों, बिकॉज इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू। बस इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि यस यू ऑल आर एंजॉयिंग द क्वेश्चंस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई इज 45 meters एंड टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर दिस डिस्टेंस इन 9 seconds, ठीक है। एक्स से वाई के बीच में, ये एक्स से वाई के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है, 45 meters है। अब एक पर्सन है जिसको टाइम कितना लगता है, 9 seconds लगते हैं। देन स्पीड ऑफ द पर्सन, अब आपको स्पीड निकालनी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि वो निकालनी है आपको किलोमीटर पर आवर। जैसे क्वेश्चन देखा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ओके 9 × 5 = 45, मतलब 5 आंसर आ जाना चाहिए, बट ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है बच्चों। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, देन अंडरस्टैंड इट एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। सो हमने क्वेश्चन को रीड किया, सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, स्पीड निकाल लिया, ठीक है। 5 meters per second हमारी आ गई है, कैसे, हमें सबको पता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टोटल कितनी थी 45, टाइम कितना लिया 9 seconds, 45 भी हमारा किस में था, मीटर, टाइम किस में था, सेकंड्स में, तो 5 meters per second आ गया। अब हमें आंसर पूछा है किलोमीटर पर आवर में, इसीलिए हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, 1 meter per second को
जब हम किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करते हैं सो वो होता है इक्वल्स टू 3.6। तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, जो हमारा आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3.6 से, सो दैट जो भी हमारा डेटा है वो किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट हो जाए। एंड दैट इज हाउ वी गॉट द करेक्ट आंसर विच इज 18 किलोमीटर पर आर। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, 18 किलोमीटर पर आर। Got it? Easy question है, बस आपको carefully read करके step by step solve करते जाना है। And the last question of this video is on your screens now. Name the joint which exists below our skull and neck. आपकी skull और neck के बीच में कौन सा joint है? It's a easy question, guys. Yes, उसको हम बोलते हैं बच्चों pivot joint. ठीक है? वो कहाँ पे होता है? Pivot joint होता है जो कि neck में, आप सबको पता है ना, इस तरीके से हम rotate कर सकते हैं। Hinge joint कहाँ पे होता है? फटाफट से सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बॉल एंड सॉकेट की तो हमने बात कर ली, शोल्डर और हिप्स में। फिक्स जॉइंट कहाँ पे होता है? यस, यहाँ पे होता है। अब आपको सिर्फ हिंज जॉइंट का आंसर करना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। नहीं कर पाते हो तो इट्स ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों। एंड यस, ये पिवट जॉइंट का यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी नेक के नीचे यहाँ पे ये पिवट जॉइंट होता है। So that's it from my side. I wish you a very bright future to all of you, my dear students. Great job, everyone. I'm so proud of you. You have done very nicely. Koi questions nahi aaye. It's totally fine, bachu. You are practicing, which is more important. Practice, practice, practice. Kyunki aap sabne suna hoga bachpan se. Practice makes a man perfect. Jitni baar hum questions ki practice karte hain, utna hume cheeze asaan lagti hai. And I promise you, agar aap log daily ऐसे प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली आपको कोई भी ओलंपियाड, कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू, बट इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड मोटिवेशन। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप किसी भी वीडियो में जाके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, या फिर किसी ओलंपियाड के ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।